बात करते हैं ये बाइक मैंने कैसे चूज़ की। देखो दीपू लव जानू दीपू लव वीना। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से जम्मू से, तो यहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो आज की राइड तो बहुत लंबी होने वाली है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तक तो चलेगी बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह ज़बरदस्त तरीके से पहुंच जाऊं मैं। सो अभी सबसे पहला काम मुझे कराना है, बाइक को रिफिल कराना है। सो आज रोड क्लियर है क्योंकि संडे है, उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। बड़ी गर्मी है, खस्ता हालत हो रखी है, तो मैं कहीं हाईवे पे निकलूं आगे। मेरा जो निकलने का प्लान था वो सुबह का था, पहली लंबी राइड है और सुबह टाइम से निकलना चाहिए था मुझे, लेकिन लेट हो गया वहाँ से सिटी क्रॉस करके। तो उसके बाद जो फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये राइड जो है कहाँ की होने वाली है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा उस जगह के बारे में। अभी कैमरा एंगल आई होप आप लोगों को सही लग रहा हो, विंड ब्लास्ट बहुत है यहाँ पे हाईवे पे, फिर भी मैंने माइक को अच्छे से हाइड करने की कोशिश करी है। एक तो मैंने पहली बारी GoPro इस पे लगाया है हेलमेट पे, तो ये हेलमेट मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी लगने लग गया, और ये हेलमेट भी पीक वाला है, आगे से बीक निकली हुई है इसकी बाहर, मोटोक्रॉस वाला हेलमेट है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। बड़ा ख़तरनाक जाम है यार इधर, अच्छा तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस रास्ते पे आज संडे है तो ट्रैफिक कम होगी, तो यहाँ पे ना मैं बड़ा गलत था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल चुकी है, तो ये ट्रैफिक बहुत खतरनाक है यहाँ पे। कोई पेट्रोल पंप देखते हैं तो रिफिल कराते हैं। कर दें फुल। कौन सी गाड़ी है ये? होंडा की CB200X 200 सीसी है यार, ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है। 200? हाँ हो गया जी। ओके शुक्रिया। तो ये टैंक हमने फुल करा लिया है और अब जो है गर्मी ने खस्ता हालत बना दी है, तो अभी जो है इसका जैसे देख रहे हो आप जो हैंडल बार्स हैं वो काफ़ी अपराइट हैं, तो मेरे हाथ ये ऐसे रिलैक्स्ड एकदम इस पोजीशन में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बंदा कंफर्टेबल रहता है इसको चलाने में, और पाँव भी इतने ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, मतलब मिड से थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो इसकी सीट बहुत बढ़िया है, तो 40 किलोमीटर में मुझे अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा है ऐसा स्ट्रेस कुछ भी, ना टांगों पे, ना हाथों पे और ना बैक पे। इवन दो मैंने पीछे अपना बैकपैक भी लगाया हुआ है, लेकिन उसका सारा वेट जो है वो पीछे वाली सीट पे है, तो उसका वेट मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको मैंने होल्ड किया हुआ है कि भाई तू इधर उधर ना हिली,
वो एक जगह स्टेबल रखा हुआ है। बॉयज़ एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो और ये मैं अपनी सवारी के साथ इस हाईवे के सेंटर में खड़ा हूँ क्योंकि मैंने जो बैग बांधा हुआ था, बैग पहले एक्चुअली मैंने पीछे लगाया था, ये ट्रैकिंग बैग है तो ये मैंने पीछे लगाया था। इसका वेट सारा सीट पर था, मेरे शोल्डर्स पर बस थोड़ा ही था, बट आगे जो है वो पैच रोड का बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, सो मैंने सोचा उस पर ऐसे ही डस्ट पड़ जाएगी तो उससे अच्छा है मैंने इसको सीट पे बांध दिया है इसी के स्ट्रैप से, बैग के स्ट्रैप से जैसे ही लगे हुए, इसका रेन कवर निकाल के ऊपर कर दिया है। इसकी वजह से जो भी डस्ट होगी वो इसके ऊपर आएगी और बैग मेरा जो है वो सेफ रहेगा। सो अभी तक मैंने 40-45 किलोमीटर्स कर लिया है और रिफिल भी करा लिया था, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बाइक दिखा देता हूँ क्योंकि वॉक अराउंड मैंने नहीं दिया अभी तक इस बाइक का। सो ये कुछ ऐसी लग रही है। सो बात करते हैं ये बाइक मैंने कैसे चूज़ की। मुझे बाइक चाहिए थी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी रिक्वायरमेंट्स थी कि बाइक गुड लुकिंग हो और मतलब एकदम ब्यूटीफुल सी बाइक हो, तो ये बाइक मुझे ब्यूटीफुल तो लगी, लुक्स में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और दूसरी बात ये कि भाई मैं इस सेगमेंट में जो और भी बाइक्स थी जैसे बजाज की थी पल्सर 200 NS, वो भी सेम प्राइस पॉइंट पर आती थी, R15 आती थी, अपनी MT15 आती है, तो वो बाइक्स मेरी कैटेगरी में नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे उतनी मतलब NS की पावर जो है वो बहुत अच्छी है लेकिन मुझे वो चाहिए नहीं थी। तो NS जो थी वो कैटेगरी से बाहर होगी क्योंकि वो बाइक की जो सेटिंग वेटिंग है वो लॉन्ग राइड पे मतलब तुम बेहद बेशर्मी करके उसको हार्डली तुम 200-250 किलोमीटर मार सकते हो एक दिन में, लेकिन वो बहुत बेशर्मी वाला सीन है क्योंकि उस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है उन सारी बाइक्स का जो भी उस सेगमेंट में आती हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे आती हैं 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे, तो उन सब में ना वो सारी बाइक्स का जो राइडिंग पोजीशन था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये बाइक जो कम्पीट करती है हीरो की एक्सपल्स के साथ, मतलब जैसा लोगों का कहना है, तो एक्सपल्स जो है वो प्रॉपर ऑफ रोडर टूरर है, मतलब तुम्हें हर दिन ही ऑफ रोडिंग करनी है ना तो भाई तुम वो बाइक लो। अगर तुम्हें ऑफ रोडिंग नहीं करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं हाईवे राइड पे हूँ अभी, तो वो हाईवे राइड पे तुम्हें बहुत तंग करेगी क्योंकि उसकी सीट जो है वो बहुत पतली है और वो तुम उस पर ना लटके रहोगे, ठीक है। तो हाँ अगर तुम्हें प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है, तुम हार्ड कोर ऑफ रोडर हो, तब वो बाइक तुम कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे पास ये ऑप्शन था तो ये बाइक मुझे गुड लुकिंग लगी, ऊपर से इसका इंजन भी अच्छा था, रिफाइंड इंजन था तो होंडा से प्यार भी था, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रख के। और जो सबसे मेन चीज़ थी इस बाइक में वो थी इसका सिटिंग पोस्चर। पोस्चर है वो एकदम अपराइट है, फुट पेक्स जो है वो मेरे हिसाब से सेट हैं, लाइक मुझे ज़्यादा फॉरवर्ड सेट पसंद नहीं है, ज़्यादा बैकवर्ड सेट पसंद नहीं है, सो कहीं मिडल में है एज़ यू कैन सी। तो ये सारी कहानी थी इस बाइक की। तो इस बाइक की जो फेयरिंग शेयरिंग है वो बहुत सेक्सी है, इसका मतलब हैंडल बार एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। सो ये सारी चीज़ें थी इस बाइक में जो मुझे पसंद थी। हाँ तो मैं जा रहा हूँ पुंछ, पुंछ में मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरा गांव है और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं 10 दिन से मैं जम्मू में था और इस बाइक को फिर चलाया भी वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर मैंने सिटी के अंदर ही बाइक चलाई है 3 दिनों में। ये मक्खन रोड है यार, तो इधर मैं थोड़ी चला लूँ यार, मतलब फरमान निकाल लूँ चलाने के, बस सीन कुछ ऐसे आए हाय 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 ऐसी रोड हाय 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 नज़ारे आ गए नज़ारे। हाँ
श्री चौगे ये तो ये जम्मू की ना आशिकों की मंडी है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये जम्मू से जो भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो यहाँ पे ना नाम शाम चेप के जाते हैं। मैं आप लोगों को रुक के दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये देखें कोमल एंड पता नहीं क्या, देखो दीपू लव जानू दीपू लव वीना, ये वाले कर्व्स बिना नज़ारे हैं। तो देखें आप चेक करें माशाल्लाह। ओ भाई ये बहुत कितना कर्व्स हैं। तो अभी यही है बस, ये जंगल ही जंगल है। तो मिलते हैं सीधा चाय ब्रेक पे। अच्छी क्या हुआ है, ओहो हो बड़ा ही गलत सीन है। मैं निकलता हूँ यहाँ से, बट उससे पहले लोगों को दिखा दूँ एक बारी कि हुआ क्या है। ओहो अस्तगफरुल्लाह, पूरा ख़त्म है ट्रक। अंकल बंदा एक ही सीगा, दो सीगा की नहीं है, एक है हाले, एक डेथ हो गई है। किथे आ ये ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੁੰਨ ਪੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲੀ ਤਰ ਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਲੋਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। तो यहाँ पे मैंने चाय ब्रेक ली और मौसम फिर से साफ हो चुका है। 80-90 मतलब मज़े से क्रूज़ किया है। तो मैंने इसका ब्रेक इन भी नहीं किया है बाइक का, मैं जिस दिन से लिए इसको या तो इसका सीधा इंजन ही खुलेगा तो या ये चलेगा। लेट्स सी क्या होता है। पे क्रूज करना है इज लाइक मजाक है ये बाइक के लिए यार। और बाइक की मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आप सिर्फ बाइक के लिए ये ब्लॉग देख रहे हो तो कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई सीट पे वाइब्रेशंस नहीं है, कोई हैंडल बार पे वाइब्रेशंस नहीं है, और फुट पिक्स पे भी तो वहाँ पे भी कोई वाइब्रेशंस नहीं है। निकल 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 भाई तो निकल, 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 निकल। ऐसे पैचेस इनकी बात कर रहा हूँ मैं। बट कोई मसला नहीं है, अपनी बाइक इन पैचेस को दबा दम निकालेगी, दबा दम। चेक करें इधर मैं खड़ा हूँ पिछले 2 मिनट से और भाई ये मतलब छोटा सा पैच है लेकिन यहाँ पे गाड़ी गुजर रही है तो अंधेरियाँ मच जा रही हैं। तो तड़की डस्ट इतनी है यार।
गाड़ियां चलाते हैं, ऊपर से चला रहे होते हैं फोन। ठीक है मैं इनको एंटर हो गए थे हमारे जोरी। तो कोई बंदा है। ओके स्क्वायर ना, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। रोक रहे हैं मुझे भाई ने, राइडिंग गियर सब पहन के रखे हैं। आय हाय रुकते हैं। हाँ जी वीर जी, वालेकुम अस्सलाम। आप बढ़िया सर? और जम्मू से आ रहे हो? हाँ मुबारक हो नई बाइक की। खैर मुबारक। और गोपा लिया होगा सब सब। और कैसी चल रही है फिलहाल? अभी तक ठीक चल रही है मेरी। विट पिलन तो आप मुझे बताओ ये गोपर कौन सा है? हीरो 8 है? 9 प्लीज मेरी वीडियो कट कर देना। यार जम्मू से भैंस मेंटर जा रहे हो आप? नहीं यार मसला वो नहीं है, मतलब कंफर्टेबल है मुझे अभी तक कुछ नहीं। टूरिंग बाइक है, बेस्ट बाइक ली अपन। कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं हो रही है, थैंक गॉड। बच गया वरना नाक में सुइयां घुसाते। नो मैटर, तुम्हारे पास सही बैठे हैं सुइयां घुसाने वाले चाचा। यहाँ से आगे अपना पुंच शुरू हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा पुंच दिखाने की, बिकॉज पुंच इज़ अ प्लेस टू विजिट, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग यू नेम इट। इट हैज़ लेक्स, इट हैज़ मीडोज, इट हैज़ माउंटेन्स, इट हैज़ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, एवरीथिंग, इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो वो मैं आपको फ्यूचर वाली वीडियोस में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ सीन्स हैं यहाँ के और ये कुछ नज़ारे हैं। तो अच्छा भाई, अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, जो कि कम्प्लीटली अलग होगा ये वाली वीडियो से। उस वीडियो में मुझे कुछ बातें शेयर करनी है जो मैं नेक्स्ट राइड्स प्लान कर रहा हूँ उनके रिगार्डिंग, तो आपको वो देखने के लिए मिलेंगी। हाँ तो वो राइड्स देखने के लिए मिलेंगी, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। राइड की जो प्लानिंग है वो मैं सारी आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं कैसे जाने वाला हूँ, किधर जाने वाला हूँ, किधर नहीं जाने वाला हूँ, कौन सी जगहें आपको दिखाने वाला हूँ। सो एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन माई फ्यूचर वीडियोज। सो दिस वॉज माई फर्स्ट लॉन्ग राइड, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि पिछली वाली जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मेरे दोस्तों ने और बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेंट किया कि भाई ये वाली वीडियो जो है ये बहुत शॉर्ट थी, तो भाई कुछ रिकॉर्ड ही कर लेते ढंग का। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, अगले वाली वीडियोस में तो सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी तो मैंने शुरू किया है, तो कंटेंट फिश हो बेटर तो होगा विद टाइम। आई विल इम्प्रूव माई कंटेंट विद टाइम, एंड जो ट्रैवल व्लॉग्स होंगे वो भी इम्प्रूव होंगे, जो ट्रैवल सीरीज़ होंगी वो ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूँगा मैं। सो दैट्स इट, तो इन चीज़ों के लिए सब्सक्राइब मस्ट कर। वेल फाइनली मैं अपने घर की रोड पर पहुँच चुका हूँ, और जो मेरी राइड का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। आज की राइड का जो अल्टीमेट गोल था वो ये था कि भाई नई बाइक है और उसको टेस्ट भी करना है और उसके साथ लंबी राइड भी करनी है। तो राइड थी आज की वो एकदम स्मूथ रही, ज़बरदस्त रही है अल्लाह के करम से, और खैर और खैरियत से मैं पहुंच गया हूँ। लुक एट दिस ब्यूटी, टेक अ लुक, ये हो रहा है सनसेट हो रहा है, और ये सारा एरिया जो है यहाँ से हम बिलोंग करते हैं। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल द डेस्टिनेशन एंड एवरीथिंग।
नेक्स्ट जो भी राइड की वीडियोस होंगी वो इसी बाइक के साथ और इस सभी खूबसूरत पहाड़ियों पे होने वाली हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर इफ यू आर वॉचिंग प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एवरीथिंग वट एवर यू कैन डू जस्ट डू इट एंड या आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Looking so much fantastic.